राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा बकाया धनराशि को वसूली की जाए, जिससे राजस्व को बढ़ाया जा सके। डीएम ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो चल रहा है पहले से ही वो चल रहा है साहब, जो हमारे जल सुविधा केंद्र हैं उनका भी कलेक्शन, तो टारगेट तो पूरा हो जाएगा सर, लेकिन हमें टारगेट से ज्यादा लाना है। अच्छा, जो हम आरसी के विरुद्ध हैं वो चाहे मेरे जैसे सपोज किया सर आप कंज्यूमर है अच्छा तो ले लेंगे, लेकिन रसीद यहीं आगे कटेगी, उनके खाते में जाएगा पैसा, सीधा उनके खाते में चला जाता है सर। नहीं, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, आपके आपने जो ना 1000 रुपए की आरसी वसूल की सर, तो 1000 रुपए की अगर वो रसीद काटेंगे तो रसीद डिपार्टमेंटली ही कटेगी। अच्छा अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली उसी खाते में आ जाता है। तो जब तक इसमें अभी 2-3 बैठकें होकर के आपस में मिलान नहीं होगा जी सर, हो सकता है तमाम ऐसी हो जिनका हम लोगों के पास आरसी हो ही ना, साइट पर तो लोडेड है जी सर, लेकिन फिजिकली अवेलेबल ना हो। मुझे मैसेज मिल गया था सर आपका ये, और मैंने भेजा भी था आपके, मतलब आपके ऑफिस में लोग जा भी रहे हैं धीरे धीरे करके, अदर डिवीजन वाइज जा रहे हैं सर। अच्छा, मैसेज मिल गया था मुझको, मैंने इस पर काम शुरू करवा दिया है सर। ठीक है। सर हमारे हेल्प की जो जरूरत पड़ेगी साहब, वो केवल ये पड़ेगी सर कि डिसकनेक्शन कोई अच्छी चीज है नहीं, अप्रिय वस्तु है, तो सर थोड़ा सा बस कानून व्यवस्था की स्थिति में ही इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिनके पास जो बड़े बकायेदार हैं वो दो तरह के लोग हैं सर, एक तो दे नहीं सकता, उससे चाहे आरसी काटो चाहे जो करो, वो तो उसे पार्ट पेमेंट जो कुछ दे दे वो उसका, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सर कि जो उनका फायदा लेके, यानी कि उनको शील्ड, उनके शील्ड बना के और अपना नहीं देना है, के माध्यम से एसएसपी साहब को पत्र भेज करके जी सर, और अभियान चला दे इधर तेजी से, दिसंबर तक चला दे, इसलिए कि इधर हीटर सीटर भी लोग ज्यादा जलाएंगे, वो आ रही है, आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा जी सर, और हीटर जितनी जगह जलते हैं मैक्सिमम मतलब नंबर 2 में चलते हैं, कोई भी हीटर नंबर 1 में चलाने में सक्षम नहीं है, हाँ इंटरेस्टेड नहीं रहता है। और सर थोड़ा सा ये कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हालांकि वो खुद कोई टारगेट या कोई चीज जरूर दी जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो लोगों का राहत आए थे, तो ज्यादा से ज्यादा अपने विभाग का जो टोटल जो भी है, विद्युत का भी है, आबकारी का भी है, सब लोगों से अपने डीएम तहसीलदार सबसे हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक बैठक भी बुलाई है सभी डीएम की, और हमको भी जाना है तहसीलदार को, कोरोना के नाम से पूरे साल ही तो निकल गया है, बहुत सारे समस्या तो अभी भी गांव में हाल नहीं हुआ है, मामूली जो आपका जमीन का समस्या से लेकर कहीं भी तहसील दिवस जाता हो, किसी भी फोरम में जाता हो, बहुत समस्या सामने आ रही है, इसका मतलब तो आपको लेखपाल पर होंगे तो फील्ड में नहीं जा रहे हैं। अब देखिए कोरोना के साथ ही तो रहना है, लगभग तो केसेस तो कंट्रोल में आ गया है, बट अभी तो ये केसेस हम एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर लान डाना से लेकर तमाम समस्या आ जाएगी। हल्के में जाना चाहिए था लेखपाल कानून का, और वहाँ का अभी इस समय में 3 काम चल रही है साइमल्टेनियसली, चुनाव तो एमएलसी चुनाव तो है ही, इसकी आपको ज्यादा रोल नहीं होता है उसमें, बट पालोड कोई पंचायत चुनाव का तो नामावली का रिविजन चल रहा था, और जो एमएलए चुनाव जो आपका चुनाव आयोग का उसको भी रिविजन चल रहा है, तो मर भी गए वो तो आपको नहीं पता है, रिप्लेस नहीं किया, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, कहीं ट्रांसफर हो गए हैं, कहीं गुजर गए हैं, ऐसे यार सूची एक बार तो ढंग से देख तो लीजिए आपका, कितने कितने एरर्स है, डी डुप्लीकेसी है उसी का डेस्कटॉप एक्सेस करा के सही कराना है, तो हर बार तो लोग गुड वाइस कराते हैं उसको, तो डुप्लीकेट दो दो नाम है सारे चीजें वो मेल पे आ गया साथ में भी गया था, उन्होंने कहा हमने फाइल पुट अप की है, सचिव साहब आज ज्वाइन किए हैं तो संभवतः आज उन्होंने फाइल की होगी, तो कल उन्होंने पैसा मिल जाएगा, जितने भी और मैटर थे वो निश्चित दुर्घटना बीमा में तो बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग था, अभी भी तो क्लियर नहीं, अभी भी एप्लीकेशन हमारा क्लियर हुआ है, उसी महीने ही आना चाहिए थे एप्लीकेशन, अभी भी विलंब से आया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा हमें, तो लेट होता है, क्षेत्र में कोई घटना होता है चल रही है उसका लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है, समय से आप लोग पत्रावली नहीं देते हो, पत्रावली देते इतने कमियां हैं उसमें।
250 मटेरियल पिछले बार आई थी, 100 ही क्लियर कर पाया, तो बाकी 150 में बहुत अनेक गड़बड़ियां हैं, मतलब सही नहीं है कागज, मतलब ये दे दी तो जो उनका नीचे प्रमाणित होना प्रमाणित नहीं है, किसी के एफ आई आर करना है उस पर नहीं है, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगना वो नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, तमाम कमियां हैं। अब चेकलिस्ट हम बार बार बना के देने के बाद भी क्यों आ रहा है, मीटिंग होता है इस समय में ही, उसी के भी दावा के निस्तारण भी होगा होना है, इसके साथ साथ कृषि दुर्घटना बीमा योजना का जो कितने दावा हैं उसके पहले भेज के आप लोग सूची सहित आ जाइए इसी मीटिंग, ताकि उसके साथ साथ हर महीने यहाँ निस्तारण होना है।